اللهم يا مجيب كل سائل والصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين अल्लाह तबारक तआला जल्ला जलालहू की हम्द व सना और नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह आली में हदीयत व सलाम अर्ज करने के बाद गिरामी कदर हजरात अहबाब अहले सुन्नत आज की रात अल्लाह तआला जल्ला शानहु की खास रातों में से खास रात है और ये इंतहाई नाजुक रात है जिसमें निज़ाम आलम के फैसले होते हैं, किसने पैदा होना है, किसने मरना है, किसको रिस्क दिया जाना है, किसने मदीने जाना है, ये भी आज की रात फैसला है। एक एक चीज को क्या गिरवाऊं समझे, निज़ाम आलम के फैसले आज की रात। आज की रात अल्लाह ताला ने हमें ये तौफीक दी है, हम उसकी बारगाह में उसके घर में हाजिर हैं। अवलन तो शैतान लड़ीन की ये कोशिश होती है कि वो बंदे को नेकी ना करने दे, पूरी कोशिश होती है इंसान की, लेकिन अल्लाह ताला की मदद और तौफीक से अगर बंदा आ जाता है तो फिर भी वो बाज नहीं आता क्योंकि दुश्मन है ना। अल्लाह ताला ने खुला दुश्मन कहा है शैतान, अब उसकी ये ख्वाहिश है जो आ गया है उसको अमल ना करने। आप देख रहे हैं पहले नमाज पढ़ने को दिल नहीं करता, जब बंदा आ जाता है तो सौ तरह के बस उससे आते हैं नमाज में। उसकी पूरी जरूरत है कि नमाज में वसवसे डालने पर मुतय्यन है। ये चंद कलमे दोहराने का मकसद ये है कि हम आ गए हैं ना और अभी रात का एक तवील हिस्सा बाकी है जो हमने बैठना है पूरी दिल जबड़ी के साथ, पूरी तवज्जो के साथ। और ये जो बयान है मैं आपकी खिदमत में पेश करने वाला हूँ, ये तो है ही ऐसा कि इसको पूरी तवज्जो के साथ सुनना लाजिम है, वरना क्या होगा, बातों का ऐसा होता है बंदे की तवज्जो ना हो तो हाँ का ना, ना का हाँ समझ आ जाता है, जायज का नाजायज, हलाल का हराम। और यहाँ तो मामला ये है कि बाज़ जुमलों को कुफर कहा जाएगा कि वो कुफर है, लहरा बड़ी तवज्जो के साथ कि जो बच्चे बाहर अपना काम कर रहे हैं इनको बड़े प्यार से खामोश करवा दें और पूरी तवज्जो के साथ ये गुफ्तगू समाप्त कीजिए। इंशाल्लाह तहफ्फुज़े ईमान के लिए हमारे बहुत काम आएंगे इंशाल्लाह। पुराने वक्तों में एक हीरो का सौदागर था, वो किसी शहर में सफर के लिए रवाना होना चाहता, उसने इरादा किया सफर का।
उस इलाके का एक नामी गिरामी चोर, उसको खबर मिली कि ये हीरों का जो सौदागर है, जो बड़ा कीमती हीरा लेकर सफर कर रहा है, तो वो भी उस सफर में शरीक हो गया। इरादा उसका ये था कि किसी जगह मुझे मौका मिले तो मैं इसका हीरा चुरा लूंगा। सफर शुरू हुआ, कई मंजिलों पर उन्होंने क़याम किया। जैसे ही रात आती, तो दोनों एक ही कमरे में क़याम करते, रात को रुकते। जब रात हो जाती तो वो जो चोर इस इरादे से, इस नीयत से साथ शामिल हुआ था कि मैं हीरा चोरी करूंगा, वो पूरे कमरे की तलाशी करता था, पूरे कमरे की एक एक चीज को टटोलता, तलाशी लेता, उस ताजिर के कपड़े भी देखता, लेकिन उसको हीरा न मिला। एक रात गुजर गई, सुबह उसने पूछा उस ताजिर से कि तुम्हारे पास बड़ा कीमती हीरा है, जरा देख लो वो मौजूद भी है कि नहीं। उसने अपनी जेब से वो हीरा निकाला, ये मेरे पास मौजूद है। वो बड़ा हैरान था कि मैं इतना माहिर चोर, इतनी तलाशी लेने के बावजूद इसके कपड़े भी मैंने टटोल कर देख लिए कि तलाशी ले ली, लेकिन मुझे हीरा नहीं मिला, ये कैसे जेब से निकाल पा रहा है। खैर, फिर सफर शुरू हुआ, मामला अगली रात आ गया। जब वो शख्स हो गया, चोर को नींद कहां से आनी थी, इसने फिर उठकर तलाशी लेना शुरू की। हसबे आदत पहले से ज्यादा इसने कोशिश की एक एक चीज को बगौर देखा, लेकिन हीरा फिर नहीं मिला। सुबह को फिर उसने पूछा, जनाबे वाला आपका हीरा आपके पास मौजूद है, जरा देख लेते। उसने फिर जेब से निकालकर कहा कि मेरे पास मौजूद है। तीसरी रात उसने फिर ऐसा किया, फिर हीरा नहीं मिला। उसने अपने दिल में कहा होगा कि भाई मेरे तोहफे पे मेरी इस कारीगरी पर, मैं इतना नामी गिरामी चोर, लेकिन मुझे हीरा ही नहीं मिला, अजीब बात है। उसने अगले दिन उसे पूछा कि बताओ ये हीरा तुम्हारे पास अपनी जेब से निकल कैसे आता है। फिर अपना आप उसने जाहिर कर दिया। उसने कहा, दरअसल बात यह है, मैं एक चोर हूं, इस इरादे से, इस नीयत से मैं तुम्हारे साथ शामिल हुआ हूं। दादा अब तुम मुझे ये बता दो कि तुमने इसकी हिफाजत कैसे की। उस ताजिर ने कहा कि जब रात होती है, हम दोनों ही अपनी कमीजें उतार कर खूंटी पे लटका देते हैं। ऐसे ही लटका देते हैं, फिर हम दोनों ही बारी बारी बैतुल खला के लिए भी जाते हैं, कहाँ जाते हैं। कब बस उसी दौरान मैं अपने जेब से हीरा निकालकर तुम्हारे कमीज की जेब में उसको डाल देता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम सारे सारे कमरे की तलाशी लोगे, एक एक चीज को टटोलोगे, लेकिन अपनी कमीज को नहीं। उसने कहा कि मेरे पास अगर कीमती हीरा है तो मुझे ये भी फहम है कि मैं इसकी हिफाजत कैसे करता हूं। हजरत ने जी बता रहा, वो तो हीरे का सौदागर था, उसने हिफाजत कर ली। हमारे पास भी एक बड़ा कीमती हीरा है, दुनिया के सारे हीरे सारे जवाहरात उसके मुकाबले में हेज है। वो हीरा कौन सा है, वो ईमान का हीरा है, वो दौलत ईमान है। इसकी हिफाजत की फिक्र आनी चाहिए। जिसके पास माल होता है वो हिफाजत करने के गुर सीखता है, नहीं सीखता। माल ज्यादा हो जाए वो कहते हैं घर में ना रखो, चोर आएंगे, बैंक में रखो, लॉकर में रखो।
अब दुनियावी दौलत को संभालने के लिए नए नए तरीके वजह कर लिए गए, ज्यादा पैसे लेकर नहीं निकलो, डेबिट कार्ड के जरिए शॉपिंग कर लो, पैसे ना लेकर आओ लोग छीन लेंगे, तो ईमान की भी फिक्र होनी चाहिए। आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजले बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह जिन फितरों के दौर में आपने आंख खोली, 100 फितरे जिनका आला हजरत ने ताकुब किया और उनसे मुकाबला किया, और अपने मानने वालों मुसलमानों को अहले सुन्नत को आपने अपने फतावा के जरिए और अपने कलाम के जरिए भी इनसे आगाह रहने की। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन तो शैतान है, फिर शैतान के करिंदे जो ईमान लूटने पर अपनी सारी ताकत सर्फ किए हुए हैं। आला हजरत हाजरे बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस नाजुक वक्त बयान किया अपनी नजम के अंदर भी। आला हजरत कहते हैं, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदरी काली है। इमाम का पैगाम है ना, तो हम सुनते हैं आला हजरत का पैगाम भी सुनिए जो मुसलमानों के नाम दिया आला हजरत। और आला हजरत बड़े तड़पते दिल के साथ, बड़े दर्द दिल के साथ अपना फतवा भी लिखते हैं, और एक एक शेर की आला हजरत हाजरे बरेलवी सिर्फ कसमो बनावट के लिए नहीं लिखते, ये पूरा नक्शा खींचा है कि इस वक्त कैसी सूरत हाल है, और अब तो उससे भी ज्यादा सख्त हालात हो चुके हैं। पैगाम दे रहे हैं, सूना जंगल इतने बड़े खसारे की बात है। आला हजरत कहते हैं सूना जंगल है, रात भी अंधेरी है, बदली भी काली छाई हुई है, और सोने वाले जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। अब देखिए अगर चोर रखवाली पर उतर आए कितना नुकसान करेंगे। अगर जो चोर है उसको हम रखवाली के तौर पर रखें, जिनका काम ही डाके डालना है उसको कहा जाए कि ये चाबियां आपके पास है। आपको पता है वो चोरी जिसमें घर का भेदी शामिल होता है, वो बड़ी 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 चोरियां होती हैं। तो ये ईमान पर भी किसी की नजर है, कोई इस पर भी घात लगाए हुए हैं, और वो कितना शातिर है, वो कितना शातिर है। आला हजरत ने अपने शेर के जरिए उसको समझाया, फरमाते हैं सोना पास है और सोना जहर है। अब ईमान की हिफाजत से अपने आप को कहीं दामन कर लेना, गफलत का शिकार हो जाना, कहते हैं सोना पास है, सोना बन है, और सोना जहर है उठ प्यारे। तू कहता है मीठी नींद है, तेरी मत ही निराली। मुझे समझ नहीं आ रही कि ईमान इतना कीमती सरमाया और उसको लूटने वाले चारों तरफ से हमला किए हुए हैं, और तू है कि अपनी नींद ही तुझे प्यारी है, तू उठने का नाम नहीं ले रहा, और फिर ये जो लूटने वाले हैं इनकी ताकत का आलम क्या है, ये कैसे कैसे तरीकों से ईमान पर घात लगाए बैठे, कैसा कैसा वार करते हैं। आला हजरत समझाते हैं, कहते हैं आंख से काजल
ऐसे नहीं है कि हजारों के मजमे में जेब काटे पता ही ना चले, ये तो माल के लुटेरे हैं ना, इनसे बढ़कर ईमान के लुटेरे हैं। वो तो कुरान पढ़ते हैं। ये मिर्ज़ई जो है, मिर्ज़े कादियानी की नबूवत को साबित करने के लिए वो को ग्रंथ नहीं पढ़ते, वो को वैद नहीं पढ़ते, वो भी कुरान पढ़ते हैं। वो इतने माहिर होते हैं, आला हज़रत कहते हैं आंख से काजल, कान का सुरमा इतना करीब होता है हमारे जिस्म के, कहते हैं उसको साफ चुरा ले पता ही ना चले, ये इतने माहिर। आंख से काजल साफ चुरा ले, यहाँ वो चोर बला के हम तेरी गठरी ताकी है। बताइए सुरमा छोटा होता है कि गठरी? सुरमा तो है मतलब एक समय में नुक्ता सही होता है ना, तो जब वो चुरा लेते गठरी तो तेरी उन्होंने देख रखी है, तेरा ईमान। आंख से काजल साफ चुरा ले, यहाँ वो चोर बला के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली, तुझे गफलत की पड़ी, तू सीखता ही नहीं कि ईमान की हिफाजत के लिए कितनी चीजें जरूरी होनी चाहिए। या अल्लाह हजरत इमाम अहले सुन्नत का पैगाम है कि मुसलमानों के नाम। अब आइए हम इसी को आगे बढ़ाते हैं। अल्लाह ताला का करोड़ हाँ करोड़ शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान पैदा किया, इस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। उसने हमें मुसलमान पैदा किया, दौलत ईमान से अल्लाह ताला ने हमें मुशर्रफ फरमाया। अल्लाह ताला की बड़ी नेमतों में से एक नेमत ईमान है, बल्कि सबसे बड़ी नेमत ही ईमान है, सबसे बड़ी नेमत। इस नेमत को हर मुसलमान जानता है, कोई जाहिल से जाहिल मुसलमान को जिसका अक्ल व शऊर सलामत है उसको कोई जमाने की सारी दौलत भी दे और कहे यहूदी हो जा, वो नहीं, नसरानी हो जा वो नहीं होगा, कोई कहे हिंदू हो जा वो नहीं होगा। सबके नजदीक मुसल्लम है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने काफिरों ने कहना नहीं शुरू किया कि तुम काफिर हो जाओ, बल्कि ऐसे अफाल ऐसे अल्फाज दे दिए जिनका हम इंशाल्लाह जिक्र सुनते हैं। पहले ये तभी तक सुन लीजिए कि अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत क्या है जी, अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत ईमान है, और यही ईमान उखरवी नजात का जामिन है, यही ईमान। कुरान में कुरान हमीद की कई आयतें हैं, क्योंकि कुरान में जगह जगह अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालहू ने ये बयान किया है कि वो लोग जो ईमान लाए, 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 इन्नल्लज़ीना आमनु, कुरान में कई जगह है। इसके बाद सारी नेमतों का जिक्र है, इन्नल्लज़ीना आमनु वअमिलुस्सालिहात, वल्लज़ीना आमनु वअमिलुस्सालिहात, उखरवी नजात का जरिया फकत ईमान है। क्या है जी, ये समझने वाली बातें हैं जी। उखरवी नजात का सिर्फ जरिया क्या है, ईमान। अगर ईमान नहीं है आखिरत में नजात नाम की कोई शय है, आमाल जितने भी हैं, क्योंकि ईमान मुकद्दम है, ईमान पहले है। अगर ईमान नहीं है तो पहाड़ों जितने आमाल भी अगर कोई कर ले वो उसको फायदा नहीं देंगे। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालहू ने फरमाया, ये देखिए सूरह आले इमरान और आयत नंबर है 185। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फकद फाज व मल हयातु दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। तो जिसे आग से बचा लिया गया, जिसे आग से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया तो वो कामयाब हो गया, और दुनिया की जिंदगी तो सिर्फ धोखे का सामान है। ये है हकीकी कामयाबी। हकीकी कामयाबी क्या है, जो जहन्नम की आग से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया उसके लिए हकीकी कामयाबी है। साहिब ईमान तो हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, इस पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, लेकिन
मेरे भाइयों, किसी के पास ये जमानत नहीं है कि वो साक्षी ईमान रहेगा ही रहेगा, किसी के पास गारंटी नहीं है। बड़े बड़े जो गुजरे हैं ना, वो भी इससे डरा करते थे। तमाम नबियों रसूलों के बाद सबसे बड़ा मतलब किसका है जी? तमाम नबियों रसूलों के बाद सबसे बड़ा मतलब किसका है? यहां तो ये ऐसा सबक है कि ये बोलते हैं इसका मतलब, जब बोलने में शर्मा है। हजरत अबूबकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु, मैं जो बात बताना चाह रहा हूं वो देखिए, ये वो है जिनको दुनिया की जिंदगी में जन्नत की बिशारत मिली। इसके बावजूद हजरत अबूबकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने फरमाया करते थे, काश मैं इंसान ना होता, काश मैं इंसान ना होता, कोई दरख्त होता जिसको काट दिया जाता। ये ईमान की हिफाजत के पेश नजर फरमा रहे हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला, जिनके मुताबिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस रास्ते से उमर गुजर रहे शैतान को रास्ते छोड़ देता है। ईमान पे सबसे बड़ा हमला करने वाला कौन है? वो शैतान ही है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला की वो शान है कि आप जिस रास्ते पर हो शैतान को रास्ता ही छोड़ देता है, लेकिन आप अल्लाह के खौफ से हिफाजत ईमान की फिक्र के पेश नजर ये बयान देते हैं। आप कहते हैं काश मैं तो परिंदा होता, आसमान पर उड़ता, ज़बह कर दिया जाता, मेरा गोश्त खा लिया जाता। इसी तरह अशरा मुबशरा में से 7 सहाबाए किराम, 10 सहाबा हैं जिनको जन्नत की बिशारत मिली, तो सारे सहाबी जन्नती, ये वो हैं जिनको एक ही मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बिशारत अता फरमाई। अशरफ अशरफ उनको कहा जाता है। उनमें से 7 सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान के अकबाल को हजरत इमाम अबू नुऐम अस्सहाबी ने हिलियतुल औलिया में बयान किया, या किताब में बयान किया है कि वो ईमान की हिफाजत के पेश नजर ये कलिमात अदा फरमा देते हैं। और हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला सारे मोमिनों की माँ, सारे मोमिनों की माँ है, और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सबसे महबूब ज़ौजा, और जिनकी शान में, जिनकी बरात में कुरान मजीद की 18 आयतें नाज़िल हुई। कतई जन्नत ही जो दुनिया में भी रसूलुल्लाह की ज़ौजा है, जन्नत में भी हुजूर की ज़ौजा होगी। लेकिन क्या कहना है, ईमान की हिफाजत कितनी जरूरी है, या कि कलिमात सुनने से पहले ये जरा ज़हन बना लीजिए कि कितना जरूरी है ईमान की हिफाजत करना। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं, काश मैं कोई भूली बिसरी सी चीज होती, नसीयत मनसिया, मैं कोई शय ना होती। जैसे भूली बिसरी कोई चीज होती, वो भूसा होता। ये क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि ईमान की हिफाजत इस कदर अहम है और उनके पेश नजर है कि सरदार गौस पाक रजी अल्लाह तआला, अब गौस पाक का मकाम क्या है सुनियों को बताने की जरूरत नहीं है जी। हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह तआला जो कहते हैं, मेरे पास इतनी इबादतें ऐसे ऐसे राज हैं, पहाड़ों पे रखी है, पहाड़ रेजा रेजा हो गया। ये कहते हैं कि अगर मैयत पे डाली जाए तो वो उठ खड़ी हो, आप पे डालू आप बुझ जाएगा। कहते समुद्रों में डालो समुद्र खुश्क हो जाए, ऐसे ऐसे राज हैं। इसके बावजूद सरकार मुस्ताद रजी अल्लाह तआला ने लोगों से ईद के दिन सुना, लोग कह रहे थे कि आज ईद है, आज ईद है, आज ईद है। मुस्ताद ने फरमाया कि ये ताज्जुब है इन लोगों पर जो कह रहे हैं कि आज ईद है, आज ईद है। अब्दुल कादिर के लिए तो ईद का दिन वो होगा जब ईमान सलामत लेकर दुनिया से चला जाएगा। अल्लाह ताला के जितने भी बरगुजीदा बंदे थे, ईमान की हिफाजत के पेशे में हजरत इमाम हसन बसरी, इमाम हसन बसरी वो शख्सियत है जो हजरत अली अल मुर्तजा शेर खुदा के खलीफा हैं, और इन्होंने उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा का दूध पिया है। इनकी वालिदा जी ना,
ये हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की कनीज थी। बचपन में जब वो काम कर रहे होते तो ये वहां जब भूख से रोते तो उम्मुल मोमिनीन ने इनको दूध पिलाया। इतनी बाबरकत हस्ती हजरत इमाम हसन बसरी थी। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का ये कौल मिलता है, बयान करते हैं कि जो सबसे आखिर में जन्नत में जाएगा ना, जो शख्स सबसे आखिर में जन्नत में जाएगा, पुल सिरात पर घिसटता घिसटता वो जन्नत में जाएगा। इमाम हसन बसरी जब ये बयान किया तो दुआ की कि काश कि वो मैं हूं। सबसे आखिर में जन्नत में जाने वाला वो शख्स काश मैं हूं। इतनी तकलीफों से गुजर जाने के बाद पुल सिरात पर, तो पहले बयान कर चुका कितनी राह है, 15,000 साल। कहते हैं कि काश मैं वो हूं। जब आपके शागिर्दों ने पूछा ना हजरत उसकी वजह क्या है, आपने फरमाया कम अज कम ये तो लाजिम है ना कि जब वो जन्नत में जा रहा है उसका ईमान सलामत है, उसका ईमान सलामत है। कितनी ही तकलीफों से गुजर कर जाऊंगा ये तो तय है कि उसका ईमान सलामत है तब जन्नत में जा रहा है। कहते हैं कि मुझे तो ये ही नहीं पता मेरा ईमान सलामत रहेगा कि नहीं। ये वो लोग थे कि जिनके नामा अमाल में गुनाह ढूंढने निकले गुनाह ना मिले, लेकिन अल्लाह ताला का खौफ और ईमान की हिफाजत इस कदर उनके रगो पैर में सिरायत लिए हुए थी कि वो अल्लाह ताला की खुफिया तदबीर से बेनियाज नहीं होते थे कि हमारे साथ क्या बनेगा, इस बात से वो बेनियाज नहीं होते थे। कभी जब अज़ाज़ील शैतान को रांदे दरगाह किया गया, हजरत सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम रुसुल मलाइका में से हजरत अबू बकर सिद्दीक से भी अफजल, हजरत उमर फारूक से भी अफजल, सारे फरिश्तों के सरदार, वो भी गिरिया हो गए थे, वो भी रोए थे। तो हम फिर किस गिनती में शुमार करते हैं। अल्लाह हमें ईमान की हिफाजत की फिक्र नसीब फरमाए। हम काबा की कसम किसी को किसी के पास कोई गारंटी नहीं कि मरते वक्त ईमान सलामत रहेगा कि नहीं रहेगा। जिस तरह बहुत सारे खुश नसीब कुफर से इस्लाम की तरफ आ जाते हैं, इसी तरह बहुत सारे बद नसीब इस्लाम से कुफर की तरफ भी लौट जाते हैं जिनको मुर्तद किया। तो इसलिए डरना चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे साथ क्या मामला सुना। गिरामी कदर हज़रात, जो दुनिया से ईमान सलामत ले जाने में कामयाब हुआ वही इस बात का मुस्तहिक है कि उसके लिए कामयाबी हो। हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया औलाद आदम मुख्तलिफ तबकात पर पैदा की गई। औलाद आदम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद मुख्तलिफ तबकात पर पैदा की गई। बास लोग वो हैं जो मुसलमान होते हैं और मुसलमान ही बनते हैं, बाज़ वो हैं जो काफिर पैदा हुए काफिर ही बने, बाज़ वो हैं मुसलमान पैदा हुए काफिर बने, बाज़ वो हैं काफिर पैदा हुए मुसलमान बने। अब हमारा शुमार किन में है ये उस वक्त तक तय नहीं हो सकता जब तक हम ईमान की हालत में दुनिया से रुखसत ना हो जाए। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतालिक आता है, जब आपकी रूह कफ़स मुसरी से बर्बाद हो गई तो आपके शागिर्द मुहद्दिसीन मौजूद थे, आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे अभी नहीं अभी नहीं। ये कई मरतबा जुमला आपने इरशाद फरमाया और फिर आपने एक कलमा तैयबा पढ़ा और मिसाल दी। इंतकाल के बाद किसने आपको ख्वाब में देखा, आपके शागिर्दों में से पूछा कि हजरत वो जो आप दमे नज़ा ये फरमा रहे थे अभी नहीं इसकी क्या वजह है, आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया कि जब उस पर नज़ा का आलमदारी था तो मैंने समझे याद कि शैतान आता है, शैतान नज़ा के वक्त हर मुसलमान के पास ही बात याला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम इब्नुल हाज मालिकी रहमतुल्लाह तआला अलैह के अल-मदखल के हवाले से लिखा है। आप फरमाते हैं कि दमे नज़ा दो शैतान, दमे नज़ा दो शैतान आदमी के दोनों पहलू हैं।
इधर भी इधर भी आकर बैठते हैं, एक उसके बाप की शक्ल में और दूसरा उसकी मां की शक्ल में। एक कहता है कि वो शख्स यहूदी होकर मरा, यानी किसी मरने वाले के बारे में कहता है कि देखो वो यहूदी होकर मरा है, तुम भी यहूदी हो जाओ तो यहूदी आखिरत में चैन है। और दूसरा कहता है कि फलां ईसाई होकर मरा, तुम भी मजहब ईसाइयत कबूल कर लो कि ईसाई वहां पर चैन में है। अब मुझे बताइए नजा का आलम, अब नजा का आलम बहुत बड़ा दर्दनाक है। हदीसों में आता है कि किसी को आरों से काट दिया जाए, आरों से, ये तसव्वुर ही करना जो है ना कि किसी को आरों से काटा जाए। तो फरमाया मौत की सख्तियां इससे भी सख्त है, किसी के जिस्म को कैंचियों से काट दिया जाए, मौत की सख्ती इससे भी सख्त है। और एक मतलब पूछा गया मौत की सख्तियां कैसी हैं, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक शाख, दरख्त की सूखी शाख, उसको रुई पर मारा जाए, रुई पर मार के खींचे तो जितने रेशे को साथ ले आए और बाकी वहीं पर छोड़ दे, मौत की सख्तियां ऐसी हैं, रूह इस तरह तकलीफ के साथ मरती है, इतनी सख्तियां होना। और ऊपर से शैतान ये मशक्कत और खेल की सूरत में माँ बाप की शक्ल में बैठा हो, बताइए फैसला करना कितना मुश्किल हो जाएगा और ईमान सलामत ले जाना ये किस कदर मुश्किल अमल होगा। आला हजरत इमाम सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला ने ये बयान किया, इस पर खूब ज़हन में रखकर अल्लाह तबारक व तआला का खौफ अपने दिलों में रखना चाहिए। अच्छा, इमाम अहमद इब्ने हंबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने बयान किया कि मैंने देखा शैतान मेरे सामने बैठा है और कह रहा है इब्ने हंबल तुझे दोबारा हो ईमान सलामत लेके जा रहे हैं, लेकिन मैंने कहा अभी नहीं, इसलिए कि मेरी सांसें अभी चल रही थी, मैं इस खौफ में मुब्तला हुआ कि कहीं इस खुशफहमी में मुब्तला होकर मैं ईमान से हाथ न धो बैठूं, इसलिए मैंने उसको कहा अभी नहीं, अभी नहीं, नहीं अभी मेरी मेरी रूह निकली नहीं है, अभी मेरे जिस्म से मेरी रूह का ताल्लुक बाकी है, लिहाजा जब तक मेरा ईमान और खात्मा नहीं हो जाता तेरी तरफ से मैं खौफ अपने दिल से दूर नहीं कर सकता, मैं तेरी तरफ से मुतमईन नहीं हो सकता, इसलिए मैं कहता रहा अभी नहीं, अभी नहीं। और अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे ईमान पर मौत अता फरमाई। ईमान सलामत ले जाना किस कदर कठिन है, इससे बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है इस दौर की साहिब खौफ व खशियत हस्ती जिनके दिल में ईमान की फिक्र कूट कूट कर भरी हुई है और मुसलमानों को भी तहफ्फुज़ ईमान का दर्स दे रहे हैं। हजरत इल्ला अमीर अहले सुन्नत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब कादरी रज़वी दामत बरकातहुल आलिया, आपकी हर मजलिस और हर महफिल तहफ्फुज़ ईमान की फिक्र से लबरेज होती है और आपने उम्मत मुस्लिमा पर बड़ा एहसान किया है अपनी किताबों के जरिए, अपने बयान और अपने मुज़ाकरों के जरिए, हत्ता के अपनी शायरी के जरिए तहफ्फुज़ ईमान की फिक्र को उजागर किया है कि ईमान की हिफाजत ये बड़ी जरूरी है। आप एक मकाम पर कहते हैं, आइए हम भी, आज मांगने की रात है, हजरत की ये दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमारे हाथ में कबूल फरमाए, उनके सदके अल्लाह हमारा ईमान सलामत रखे, बड़ी खूबसूरत दुआ है, हो सके तो आंखें बंद करके इस बात को पेश नजर रख कर ये दुआ मांगिए कि अल्लाह ताला हमारा ईमान सलामत रखे। ईमान पे
एक हदीस शरीफ में फरमाया अल महासी तुरीदुल कुफ्र, ये जो गुनाह है कुफ्र का पैगाम लाते हैं। कसरत गुनाह, बंदा दीदा दलेरी एक है, गुनाह हो जाना फिर बंदा तौबा कर लेगा, तो मोमिन की शान है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया है खताकारों में से बेहतरीन खताकार वो है उससे गुनाह हो जाए तौबा कर लेगा। एक है गुनाहों पर अड़ जाना, बड़े बड़े गुनाह करना, बड़े बड़े हो गए कोई समझाए तो सुनी अनसुनी कर देना, अल्लाह तबारक व तआला की याद से बिल्कुल गाफिल हो जाना, बड़े बड़े गुनाहों से अल्लाह तबारक व तआला का मुकाबला करना। ऐसे गुनाहों के बारे में आया अल मआसी तुरीदुल कुफ्र। एक बहुत बड़े मुहदीस थे, उनके एक शागिर्द पर नज़ा का आलम जारी था और उनकी जबान पे कलमा तैयबा जारी नहीं हो रहा था। ये गए जाकर सूरह यासीन शरीफ पढ़ना शुरू की, उसने तो कहा कि यासीन शरीफ पढ़ना बंद कर दो, तो जो है बहुत बड़े मुहद्दिस थे और उनका शागिर्द मुहद्दिस आलिम। उसके बाद जाकर सूरह यासीन शरीफ की तिलावत की, उसने कहा कि ये यासीन शरीफ पढ़ना बंद कीजिए, मुझे नहीं सुननी। डर गए, ये मामला क्या है। इसी तरह इंकार करते 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 कुफर पर खात्मा हो गया। ये मुहद्दिस ये बड़े परेशान थे कि मेरा चहीता शगिर्द ईमान में उसका खात्मा नहीं हुआ, वजह क्या है। ये बेचैनी में थे कि ख्वाब में अपने उस शख्स को देखा, पूछा कि इतने बुलंद मंजिल पर जाने के बावजूद तेरा ईमान का खात्मा नहीं हुआ, क्या करते थे। कहा कि एक बीमारी से शिफा पाने के लिए कभी कभी शराब के चंद कतरे भी लेता था, बीमारी से शिफा पाने के लिए कभी कभी शराब के कुछ कतरे पी लेता था, बर्बादी ईमान का सबब बन गया। तो कौन सा गुनाह किसके लिए बर्बादी ईमान का सबब बने ये कोई पता नहीं, लिहाजा गुनाहों से अपने आप को बचाया जाए। मैं चंद एक असबाब जिक्र करता हूं कि जो बड़े खतरनाक हैं ईमान की ईमान के छीन जाने का। आला हजरत आदि बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने मलफूजात शरीफ में ये बयान किया है कि जिसको ईमान की हिफाजत की फिक्र नहीं होती, ईमान के छिन जाने का जिसके दिल में खौफ नहीं है, नजा के वक्त खतरा है कि उसका ईमान छीन लिया जाए। ये एक सबब है ईमान के छिन जाने का कि जिसको फिक्र ना हो। अब फिक्र किसे नहीं होगी जिसको ईमान की जिसके दिल में अहमियत ही ना हो। ईमान इतना कीमती सरमाया है जिसके दिल में ईमान की फिक्र नहीं होगी उसको ईमान के छिन जाने का, यानी अहमियत नहीं है तो छिन जाने का खौफ भी नहीं होगा। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया जिसको सलवे ईमान का खौफ नहीं, नजर के वक्त खतरा है कि उसका ईमान छीन लिया जाए। सबसे पहले हमें अपने दिल में ईमान के छीन जाने का खौफ पैदा करना है, ईमान बर्बाद ना हो जाए, ईमान बर्बाद ना हो जाए। इसको ये जो है ना दिल में इसको रासिख करना ये बहुत जरूरी है। ईमान के बर्बाद होने की एक वजह बुरी सोहबत है, कुफार की सोहबत, बद मजहबों की सोहबत, गुनाहगारों की सोहबत, फासिकों की सोहबत भी बंदे को फासिक की सोहबत भी गुनाह पर दलेर करेगी, काफिर की सोहबत तो सीधी सीधी कुफर में रहते हैं, बदअकीदा के कुफार के हुक्म में बाज आते हैं, तो इससे मना किया गया। कुरान मजीद खुदा ने हमें अल्लाह ताला फरमाता है वइमा युसियन लका शैतान फला तक्उद बाद ज़िक्रा माल कौम ज़ालिमीन, और जब तुम्हें शैतान भुला दे, नहीं पता था कि बद मजहबों के साथ रब्ता रखना कितना खतरनाक है, कुफार के साथ रब्ता रखना कितना खतरनाक है,
शैतान ने बुलाए रखा, अब पता चला कुरान क्या कह रहा है, वहीमा यूसी अन्न का शैतान फलाता को बाद जिका माल कौम जालिमी, जब तुम्हें शैतान बुला दे तो याद आए पर जालिमों के पास ना बैठ। इसकी तफसीर में मुफस्सिर ने ये लिखा कि ईमान पर बार हो जाएगा, ईमान जाता रहेगा। आप देख लीजिए मुसलमानों के घर में पैदा होने वाले मुसलमानों की जेरे परवरिश परवान चढ़ने वाले, जैसे ही काफिरों के मुल्क में जाते हैं काफिरों के जेरे असर आए, अब वही इस्लाम में इतराज करते हैं। ये सोच कहां से आई? यकीनन उस बुरी सोहबत का असर है, वरना मुसलमानों के दुरुस्त अकीदे तो माओ के दूध के साथ ही शामिल होते हैं। ये बुराइयां कहां से आती हैं? बुरी सोहबत से। लिहाजा एक चीज जो तहफ्फुज़ ईमान के लिए बड़ी जरूरी है वो क्या है कि बुरी सोहबत को तर्क किया जाए कुफार के साथ। तब इसके शरी अहकाम इस किताब में लिखे हैं। ये किताब इसलिए मैं लिखा, इसको हमने इंशाल्लाह तहफ्फुज़ ईमान के लिए इस किताब को पढ़ना बड़ा जरूरी है, हम सब ने इंशाल्लाह इसको पढ़ना इरादा करते हैं। अच्छा, अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु से की जात और सिफात से मुतल्लिक चंद एक मिसाल अर्ज करता हूँ जो कि हमारे यहाँ बोली जाती है और मौकूफा है। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु की ये शान है कि अल्लाह ताला जमानो मकान से पाक है। अल्लाह ताला बोलिए, अल्लाह की तौहीद का ये तकाजा है अल्लाह जमानो मकान से पाक है, तो किसी जमाने से मुंसलिक नहीं। जमाना होता है ना माजी हाल मुस्तकबिल, वो किसी जमाने से मुबरा है, ये जमाना मखलूक है, ये बाद में पैदा हुआ। अल्लाह तबारक व तआला जमानो मकान, मकान कहते हैं जगह, अल्लाह जगह से पाक है। लेकिन आप बताइए ये जुमला बोला जाता है कि नहीं? ऊपर वाला अल्लाह आसमान पे है। और ये जुमले मैं बड़े चुनिंदा जुमले लेके आया हूँ, ये वो है जो आपके टीवी चैनलों पर अखबारों में रसायल जराय के अंदर छपते हैं। अबे हजरत कह रहे थे गानों के अंदर, गानों के लिए एक कलील फरिश्ता है और वो गाने मुसलमानों के घरों में चलते होते हैं। अल्लाह ताला पर सीधा सीधा एतराज होता है, मुसलमान गुनगुना रहे होते हैं, अल्लाह ताला की जात और सिफात के वाले से। पहली बात तो ये जिक्र रखें कि अल्लाह ताला के लिए मकान साबित नहीं करें, ठीक है? अल्लाह ताला के लिए ये लफ्ज ऊपर वाला आसमान पर है, हत्ता कि ये जो जुमला है ना कि बात खतीब लोग मिंबरों पर ये बात कर रहे होते हैं, इल्म की कमी होती है उनके पास में, जात और सिफात का पूरा इल्म ना जाने बगैर कई लोग तकरीर शुरू कर देते हैं। और ये जुमला कई बार मैंने खूब सुना है, बोल रहे होते हैं कि कायनात मैंने इसको खतीबाना रंग में कहा है ना, बाजों ने शायद समझा कि दोस्त ये कुफर है। अल्लाह तबारक व तआला मकान से पाक है, वो किसी मकान में नहीं, अल्लाह मकान है, अल्लाह किसी मकान में नहीं है, ठीक है ना? अच्छा, फिर जहन से भी पाक है ये ऊपर वाला कहना, ये बड़ा आम जुमला है, बच्चों को भी बाज लोग जो है ना वो सिखाते हैं ये बात, ये सवाल नहीं करना चाहिए बच्चों को। अब देखें ना, इस्लामी तालीम देना भी आनी चाहिए, बड़ी अच्छी बात है कि बच्चों को इस्लामी तरबियत दी जाए, लेकिन उसका तरीका सीखना जरूरी है। अब अपनी तरफ से वो इस्लामी तालीम दे रहे हैं, बोलो बेटा अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कहाँ है, ये पूछना ही कुफर है, कुफरिया सवाल है, समझ लीजिए म्यारी बात। ईमानियात का मसला नहीं, ये काफी थोड़ा मुश्किल है, मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ कि आसान से आसान अल्फाज में ये बात समझ में आ जाए। ये सवाल किए जाते हैं नहीं किए जाते?
पूछा जाता है अल्लाह कितने हैं, ये भी नहीं पूछना चाहिए। अगर जो याद यही करवाया जाता है कि एक है, बच्चा है, बच्चा तो कह देगा दो है। और फिर ये होता है जब वो तो कह देता है ना अल्लाह दो है कि इससे भी ज्यादा कह दे, तो कई लोग हंसते हैं। देखने कहां तक जो है ना बाहर हो चुके हैं। अच्छा ये बात ध्यान में रखिए, बच्चे को ये नहीं याद करवाना, ये भी नहीं पूछना अल्लाह कितने हैं, ठीक है। बच्चा बोलना शुरू करे ना किबला भी अहले सुन्नत मुस्लिह है उम्मत, अजीम मुस्लिह है उम्मत। मौलाना मोहम्मद इलियास साहब कादरी रज़वी दामत बरकात निकाले बड़ी प्यारी हो, कहते बच्चे को अल्लाह 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 कहना सिखा, लंबे लंबे जुमले भी नहीं, कलमा शरीफ भी उस वक्त ना उसको याद करवाए, उसको अल्लाह कहना सिखाए। ये बात हम सवाल करते हैं, ये सवाल करना कि अल्लाह कितने हैं ये भी दुरुस्त नहीं, अल्लाह कहाँ है ये तो बिल्कुल कुफरिया सवाल ही कर दिया, ठीक है। अच्छा फिर शादी करना जब हो जाती है ना, मैयत होती है, उस वक्त कितने अल्फाज बेसब्री में औरतें बोलती हैं, कई मर्द भी बेसब्री का शिकार हो जाते हैं। और अल्लाह ताला का एतराज किसी नौजवान की मैयत हो जाए, ये अल्फाज बोले जाते हैं, आपने यकीनन सुने होंगे, औरतें कह रही होती हैं या अल्लाह तुझे हमारे घर मिला था, कई कह रहे होते हैं कि नेक लोगों की अल्लाह को जरूरत होती है इसलिए जल्दी चले जाते हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला जरूरतों के इत्तियाज से पाक है, जरूरत का तकाजा बंदों के साथ मुंसलिक है, वो जो हादिस है मखलूक है, अल्लाह तबारक व तआला इस निस्बत से पाक है, नहीं कह सकते ये अल्लाह अल्लाह ताला की तरफ जुल्म की निस्बत करना। बाद यादा तूने क्या जुल्म कर दिया, नौजवान पर चल रही है, ये कुफर है। और ये सीखना इसी तरह और बड़े सारे अल्फाज हैं, अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ा जलालुहू के मुताले। अब एक तो फिल्में ड्रामे ना जो हिंदी फिल्में हो गई उनसे काफिर, और ये काफिरों की तरफ से आते हैं ना, तो वो तो काफिर है, उनका तो मिशन मंसूबा ये है। मुझे वो बात याद है कि मैं कोट करता हूँ, ये समझते हैं कि काफिरों से बाइकाट जो होती है ना, ये अपनी बाइकाट की करके हम समझते हैं कि बस हमने हक अदा कर दिया। हिंदुस्तान की वजीर आजम इंदिरा गांधी ने एक मौके पर कहा था, उसका एक बयान छपा था, उसने कहा कि कोई बात नहीं, ये मुसलमान पाकिस्तान की दरख्वास्त जा रहे हैं, ठीक है ये जमीन का टुकड़ा इन्होंने दे लिया, हमारी चीज़ों का बाइकाट कर दिया, ठीक है, लेकिन हम इनके घरों में पहुंच चुके हैं, कैसे कौन सा गाड़े गाँव के गाड़े नहीं चलते, फिल्में नहीं चलती, और वो अपना कल्चर दिखा रहे, हमारे लोग उसको सीख रहे, पता ही नहीं उनको होता। बाज अफाल ऐसे होते हैं जो कुफरिया होते हैं, जैसे ये जो कश्का लगाते हैं ना हिंदू, कश्का लगाते हैं जो, ठीक है, इस तरह करके ना इस तरह करके लगाते हैं। अब ये जो नकले कुफर, कुफर नबाशत, कुफर की नकल कुफर नहीं होती, मैं सिर्फ तालीम के लिए दिखा रहा हूँ, ऐसा करना भी नहीं करते हैं, इसको बस कश्का लगाना। मुसलमान हमारे पाकिस्तान में कई जगह पर इसको शादी का के तौर पर लगाया जाता है, ये कुफर है। इसी तरह चूंकि जो शादी ब्याह दिखाते हैं ना, तो उसको देखकर कई लोग उसका असर अपने ऊपर ले लेते हैं। आज देख लीजिए जो शादी ब्याह की रस्मों में कितनी सारी चीजें कहाँ से आई हैं, कभी तहकीक करें कहाँ से आई हैं, वहीं से आई हैं, क्योंकि इकट्ठे रहे ना, तो उनके अकायद भी बहुत सारे आ गए हैं,
ये आवागोर, ये तनासुब का अकीदा है। हमारे मुसलमान में आप देख रहे कई खवातीन कहते होंगी यहाँ भी यकीनन ये जहालत जहाँ भी रूज पर होती है, लेकिन फलां औरत पर फलां बुजुर्ग की सवारी, इसके जिस्म में मिसाल के तौर पर वो स्पार्क कहा गए हैं, क्योंकि हजरत ऐसा यहां है नहीं है, अल्लाह का शुक्र है ये बड़ा अल्लाह का करम है, हमारे उस करम से बहुत ज्यादा है, वो मखसूस और अल्लाह के होता वो जिन्न है, होते वो जिन्न है, वो भी सिर्फ मस करते हैं, कोई किसी जिस्म के अंदर हलूल नहीं कर सकता। ये तनासुब आवागोन का अकीदा खालिस कुफ्री अकीदा है कि किसी के जिस्म के अंदर कोई समाज है। खैर ये बात लंबी हो गई, हम इसको जो है ना अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात व सिफ़ात के मुताबिक और बहुत सारे अब हमारे घर के अंदर भी ये जो स्टेज ड्रामे हैं, स्टेज ड्रामों के अंदर कुफ्रिया की भरमार होती है जो देखते हैं ना जी। अब इस पर फिर चले स्टेज ड्रामों का तो अब दो उस तरह के लोग नहीं, अब चूंकि एंड्रॉइड आ गए हैं। एक बात मैं नौजवानों से खास तौर पर, ये जो टिकटॉक है, टिकटॉक पर उन्हीं स्टेज ड्रामों के कशीदा जुमले लेकर आप मुझे देखने वाले बखूबी समझते हैं, उन्हीं जुमलों को मजाकिया जुमलों को लेकर उन पर लिपसिंग की जाती है और उनमें से बहुत सारे अल्फाज कुफ्रिया होते हैं, ठीक है, तो इनको सुनना। अब कोई बोले कि बात तो बोल रहे हैं हमें क्या, आप सुन रहे हैं हर रिजा उन कुफरे कुफर, ये उसूले फिक्र का कायदा है, कुफर पर राजी होना भी कुफर है, कुफर पर राजी होना मना कुफर है, ठीक है। अल्लाह ताला हमें महफूज़ और महमूद फरमाए। आप कुछ अब सिलेबस में यही होता है बच्चे की मुश्किल नहीं करना चाहिए, पर छोटे बच्चे से ये सवाल नहीं करना चाहिए, ये तो आप प्रेप उठा लें जो सी भी चाहते हैं बच्चे से, ये सवाल है तो बच्चे कुछ ना आई बच्चे बाज का क्या है, मैंने खुद सुना है कि अमीर रसूल मना करता है, ऐसा बच्चा है ना, मैंने यहाँ तक देखा है बच्चे से पूछते हैं बस कितने हैं, बच्चा है बच्चे को कहाँ याद रहेगा, उसको क्या पता तौहीद क्या है, बाद बच्चा कहेगा मुझे पाँच, अच्छा उसने तो कहा, अब ये भी पता होना चाहिए कि उसने जब कह दिया अब बाज लोग उस पर कहका मारते हैं, कहका मारते हैं। दूसरा यही चीज एक सवाल माजरत के साथ, अब आला हजरत कुरान से साबित कर रहे हैं जमीन साकिन है और ये सिलेबस में दिया जा रहा है कि जमीन गर्दिश करती है, अब ये अच्छी समझ में, ये तो ये रहा एक वो डार्विन का जो नजरिया है शायद वो भी आपके सिलेबस में होगा कि इंसान पहले बंदर था, इंसान पहले बंदर था तो उन जिस तरह कुरान मजीद में है ना कुल फाया कुल फाया कुल, अल्लाह की शान ये है वो कहते हैं हो जा तो हो जाती है। अब इसके मुकाबले में देखें अक्ल से बिल्कुल खाली हो जाए, इस पर उन्होंने एक लफ्ज बनाकर बिग बैंग है, वो कहते हैं कि बिग हुआ तो बैंग हो गया, अरे एक धमाका हुआ दुनिया बन गई, बिग बैंग का नजरिया ये भी साइंसदानों ने घर रखा है। अच्छा फिर वो कहते हैं ये इंसान बंदर था, हालांकि अल्लाह ताला फरमाते हैं लक़द खलक़ना अल इंसान फी अहसन तक़वीम, हमने इंसान को खूबसूरत शक्ल में पैदा किया, तो ये देखें जी सवाल शुरू होंगे रात खत्म हो जाएगी बात खत्म नहीं होगी, मैं आखिर इख्तिताम की तरफ अब लाता हूँ, कहना ये मकसूद है कि ईमानियात को समझने के लिए नहीं हमें बकायदा सीखना पड़ेगा, जिस तरह उसने अपना हीरा बचाने के लिए वो गोरा बनाया था, हमें ईमान को बचाने के लिए गोल को सीखने होंगे। फिर ये भी याद रखिए कोई कहे ना हमें तो पता ही नहीं था, ये जमालत गुजर नहीं है, हम दारुसलाम में रह रहे हैं, ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहां पर उलमा मौजूद हैं,
टाइटल पेज पर ये बात लिखी है फतावा शामी के हवाले से, हराम अल्फाज और कुफ्रिया कलमात के मुतल्लिक इल्म सीखना फर्ज है। इतना इल्म सीखना कि मुसलमान बंदा सही अकीदा सुन्नी मुसलमान हो जाए, ये फर्ज है। अच्छा, भी शरीयत के मुतालिक बहुत सारे अल्फाज हैं। आज आप देखें जिसका जिद करता है शरीयत मुतहरा का इस्तेहज़ा शुरू कर देता है, फतवे की कोई अहमियत नहीं समझते। फुकहा ने लिखा है अगर फतवा लाया गया, किसी को कहा गया ये फतवा है, उसने कहा मैं फतवे वतवे को नहीं मानता, तो काफिर हो जाए। किसी आलिम दीन की बवजह इल्म दीन तो ही करता है काफिर। ये कुरान मजीद सुल्तान हमीद ने उलमा को किताब का वारिस कहा है। जितनी बेबाकी का दौर है लोग घटिया किस्म के अल्फाज बोलता है, ये तो मुल्ला है। उलमा ने ये भी लिखा है कि अगर कोई ये कहे कि मौलवी लोग क्या जाने हैं, ये कुफर है। लोग नहीं कहते सिर्फ चार दिन खबरें सुनने वाले, दो चार आर्टिकल पढ़ लेने वाले है जी, वो गांधी जैसे भगोड़े किस्म के स्कॉलरों को सुनने वाले, ये मौलवी को क्या पता है। ये बड़ा सख्त जुमला है, दीन और शरीयत के साथ मजाक ये बंदे को कुफर की वादी में ले जाता है। ये मौजू बड़ा तवील है, मैं सामने मेरे बहुत सारे अभी जो है ना वो लिखे हुए मौजूद हैं, लेकिन मैं अभी किताब खोल भी नहीं पाया। इरादा था कि उससे पढ़ पढ़ के बयान करूँ कि मैं आपके तमाम हजरात से गुजारिश करता हूँ जो उर्दू पढ़ सकता है वो एक मरतबा इस किताब को जरूर पढ़े। इरादा करते हैं आप, अगर कहते हैं तो हम मंगवा लेंगे ये किताब पढ़े जरूर, इंशाल्लाह ईमान महफूज हो जाएगा। ईमान की सलामती असल चीज है। अगर याद रखें कि ईमान सलामत ले गए ना तो वो सारा आप सुन चुके हैं, फिर हुजूर के दामन में होंगे इंशाल्लाह। हमें ना उम्मीद ये जितनी बातें सुन ली है ना, अपने उलमा का दामन मजबूती से थामे रखें, उलमा का दामन मजबूती से थामे रखें, अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखें, क्योंकि हमें हुजूर ने मुसलमान किया है। हमें किसने मुसलमान किया? और आला हजरत कहते हैं हमें ढारस हर जगह आला हजरत बता देते हैं। आला हजरत कहते हैं तूने इस्लाम दिया, तूने जमात में लिया। या रसूल, आपने ही इस्लाम दिया, आपने जमात में लिया है, अहले सुन्नत व जमात आपने इस्लाम देकर जमात में ले लिया, और आप हैं करीम, और करीम कोई चीज देकर वापस नहीं लेते। आला हजरत कहते हैं तूने इस्लाम मुझसे क्या ले सके
मरकज हमारा क्या है? सुन्नियत। क्या है ये? कोई इससे निकालेगा नहीं, हम तो कुरान में मुस्लिम नाम रखा है। नहीं, कुरान में मुस्लिम रखा है, हुजूर ने सुन्नी रखा है। मुस्लिम मुस्लिम भी है लेकिन सुन्नी भी है, हुजूर ने सुन्नी नाम भी रखा है। तो सुन्नियत के दायरे में रहे मजबूती से, इधर उधर नाराज बना नहीं रहे। मैं एक बात आखिर में करके इजाजत चाहता हूँ। देखो कुरान मजीद में है सिरात अल्लज़ीना अन्अमता अलैहिम, उससे पीछे कहते हैं सिरात अल मुस्तकीम। यही है ना, कुरान की नासिये कहते हैं अल्लाह में सीधे रास्ते पर चला उन लोगों का रास्ता जिन पर तू ने इनाम दिया। फिर इनाम याफ्ता लोगों के बारे में बयान कर दिया, उलाइका अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबीय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन। वो कौन है? अंबिया है, सिद्दीकीन है, शुहदा है और सालिहीन है। इनके रास्ते पर चलना है। कहीं ये तो नहीं फरमाया जिसकी जमात पढ़ी हो उधर हो जाओ। या आजकल लोग पता क्या देखते हैं, YouTube पे सर्च करते हैं किसके सब्सक्राइबर ज्यादा है, कौन ट्रेंड लिस्ट पे जा रहा है, किसके फॉलोअर ज्यादा है, पेज किसका बड़ा है। कुरान का ये नहीं दिखाता, खुदा रहा हम इससे देखते हैं। ये तमाशा लगा के जो मदारी पर होता है, तमाशा लगा के रखे तो बंदे खा देते हैं, लेकिन हासिल क्या होता है? वो सिर्फ तमाशा ही होता है। आज बड़े बड़े पेज चलाने वाले डूबे इन लोगों के साथ जो उन्होंने सारे टीवी चैनलों पर आप देखे हो, ये टीवी चैनल पर जो बैठा है वो सच बात कहता होगा नहीं, ये पीछे जो उनको नसारा का हाथ है, उनकी पुष्ट बनाई है। अगर आपने टीवी से ही नहीं सीखा है ना, तो फिर सिर्फ मदनी चैनल देखेंगे। ये तहफ्फुज़ ईमान की है, ये भी सारी वो बातें जरूरी है करनी, तहफ्फुज़ ईमान के लिए ये भी जरूरी है। वरना यकीन करें लोग लगा के ना कि लेबल सिरके का है, अंदर शराब है। अल्लाह हजरत ने ये कहा शहद दिखाए जहर पिलाए, शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल दाइन शोहर खुश इस मुदार पे क्या ललचाया, दुनिया देखी भागी भागी। दिखाते कुछ है होता कुछ है। नाम जैसे कुरान का होगा अंदर आप लोगों का लिए देंगे, आप अपने अबाव अजदाद के मसलक मजहब से दूर हो जाए। इसलिए अपने मरकज का सुन्नियत पर मजबूती से कायम रहे, ये पहचान जिसको हो जाए ना, ये पहचान बड़ी। सिर्फ सुन्नियत का नाम लेने वालों को नहीं, मियार भी दिया है तैयार कर मौला ने मा आना अलैहि व असहाबी। इस वक्त जो फितना बिल्कुल सबसे ऊपर वो भी ईमान के लुटेरे हैं, सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान पर जो हरदा सराई करते हैं, इनसे भी बचना आज हर जरूरी है। अल्लाह ताला ने इसकी कीमत बड़ी को 400 कुछ ये भी अंदर इतनी भी महंगी नहीं होगी, पर ये दे दिया। आप अगर मुत्तफिक हैं तो किताबें मंगवा लेते हैं, फिर आप खरीद लीजिए, खरीद के खुद पढ़े। क्या कुछ फरमाना चाहते हैं? लोगे लेंगे अब हम ये इनके जिम्मे नहीं डालेंगे। वैसे तो इनको तरजीह देंगे ना, तो ये कह के मैं ले लेता हूँ, लेकिन आप खुद खरीद के जो खुद खरीदेगा ना उसको कदर होगी क्या मुझे पढ़ने, खुद खरीद के पढ़े इंशाल्लाह। ये नस्लों की हिफाजत होगी, आप नशे कह रहे कि आप पढ़े इसको तो कितने दर्द दिल से लिखी गई है, ये एक सफा पढ़ने के बाद पता चल जाएगा कि कितने दर्द दिल से लिखी गई है किताब। और जिसने लिखी है कोई एक रुपया भी नहीं लिया, इससे बढ़कर इखलास क्या होगा। हमारे लिए लिखी गई है, हमारा ईमान मजबूत रहे, अल्लाह ताला ईमान की सलामती नसीब फरमाए।